हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन इंफोटेक चैनल। देखिए यहां पे 100% कंप्लीट हुआ और यहां पर जीवन को देखिए ऑटोमेटिक बदल गया, देख रहे हैं। तो ठीक वैसे ही सभी की फाइलों को रिप्लेस कराया जाता है तो उसमें बड़ा टाइम लगेगा, तो फिलहाल इसको वैसे ही रहने देते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। कंप्यूटर को ओपन करना है और डी ड्राइव में जाना है, और डी ड्राइव में जाके देखते हैं तो SDDMA नाम पे एक फोल्डर हमने बना के रखा है और यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बना के रखा है, इसकी भी वीडियो बना के रखी है। हमारे वीडियो मिक्सिंग के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। Step 1, Step 2 और Step 3 है। इसको बनाने के लिए बहुत ही कम मेहनत लगा है और आपको बैच फाइल और MS-DOS प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। अगर जो ये दोनों आती है तो बहुत ही आसानी से ये बना लेंगे। अब मैजिक देखने का टाइम है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। इतनी सारी फाइलें हैं आप देख रहे हैं, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर दे रहे हैं ताकि आपको एक साथ सब नजर आए, आप देख रहे हैं। और यहाँ पर हमारा ये फोल्डर है, हमने फर्स्ट स्टेप को डबल क्लिक किया। जैसे ही हमने डबल क्लिक किया इसमें देखिए आधी फाइल गायब हो गई, देख रहे हैं कितना टाइम लगा डिलीट करने में। दूसरा स्टेप हमने डबल क्लिक किया, देखिएगा कितना सेकंड लगा, ज्यादा से ज्यादा अभी तक 10 सेकंड लगा होगा। और देखिए पूरी की पूरी फाइल तैयार हो गई। इसको बड़ा करके दिखाते हैं और देखिए यहाँ पे एक फाइल को हमने रखा था और सब की सब फाइलें चेंज हो गई, देख रहे हैं। हमने बताया था ना कि इसमें हम जादू भी आपको सिखाते हैं, बहुत ही आसान है। अब लड़के लड़की का अलग क्लोजअप टाइप का हो तो अगले पर रिप्लेस करा सकते हैं, नहीं तो ये काम हो गया, अब आपको ये सब चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यदि आप ये फाइल चाहते हैं और बनाना जानना चाहते हैं कि ये कैसे बना है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आइए और हमसे कमेंट में बात कीजिए, या नहीं तो हमारे ईमेल ID पर ईमेल करके बताइए, या फिर हमें व्हाट्सअप कीजिए। ये कैसे बना हम आपको बताएंगे, जो 30 मिनट का काम मात्र आपको 5 सेकंड में हम करके देंगे, 30 सेकंड का काम 5 सेकंड में। तो जादू हुआ कि नहीं हुआ, तो देखे यहाँ पे सब रिप्लेस हो गया। अब लड़की वाला बहुत सारा अलग अलग टाइप का क्लोजअप है, तो आप अलग अलग क्लोजअप लगा सकते हैं अगर जो आपके पास टाइम है या फिर वीडियो की एडिटिंग अच्छे से करना चाहते हैं। तो चलिए, काम भर का काम हो गया है, लेकिन फिलहाल ये भी हमारे पास पड़ा हुआ है तो इसको भी हम कर लेते हैं। इसको करने के लिए सिंपली आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है इसका और F11 प्रेस करना है, और जो भी G1 C1 जो भी है, जैसे G1 में है तो G2 पे उसे रखना है, तो सिलेक्ट करके रिप्लेस कर दीजिए। आप नहीं भी कराएंगे तो चलेगा, लेकिन ये अलग अलग टाइप का है तो बड़ा अच्छा क्लोजअप बनेगा। तो इसलिए जितने तरह का क्लोजअप बना हो उतने तरह का क्लोजअप बना लेना चाहिए। और जो इसके पहले हमने जादू बताया था आपको कि कैसे करना है इसको, 30 मिनट का काम मात्र 5 सेकंड से 2 मिनट में, तो वो उस समय के लिए होता है कि जब इमेज से आप कोई भी क्लोजअप बना रहे हो, या फिर तीन जगह ही मात्र हो क्लोजअप, जैसे कि लड़का का एक हो, लड़की का एक हो, और लड़का लड़की दोनों का एक साथ हो, मतलब कपल वाला वीडियो, तो इन तीनों को आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन मल्टीपल टाइप का हो, मतलब लड़की कई स्टाइल में यहाँ पे क्लोजअप खिंचवाई है, तो उसके लिए आपको लड़की वाला सब चेंज करना पड़ेगा। तो वो प्रक्रिया दोहरा लीजिए और उसके बाद से इसको करते रहिए। गलती से भूल गए, नहीं किए इन सब का, तब भी आपका क्लोजअप एक वाला जो है वो कॉपी पेस्ट होके तैयार है, समझ पा रहे हैं? तो इसको आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए दूसरे नंबर पे हो गया, तो अब इसको हम डिलीट कर देंगे और फिर इसमें से दूसरे वाला शेप जो लड़की का है उसको लगा लेंगे, जैसे ये वाला है, तो इसको ला कर रख दिए। Shift+S से ऑडियो Alt+S से ऑडियो हटा दिए और इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिए और F11 करके इसको दूसरे नंबर पर एक्सपोर्ट करा देंगे, जैसे कि मान लेते हैं G3 पर, और यस करा देंगे। फिर से इसको डिलीट कर देंगे और एक दूसरा वाला कोई वीडियो लाके रख देंगे, जैसे कि ये वाला रख लेते हैं। इसको रख लेते हैं, और इसको किसी दूसरे पर एक्सपोर्ट करा लेंगे, जैसे कि 5 वाले पर सेव। ऐसे तो बहुत हैं, वैसे ही आपको एक्सपोर्ट करा लेना है एक एक रख के, जितना ज्यादा कराएंगे उतना ही अच्छा आपके वीडियो की क्वालिटी आएगी और बढ़िया दिखेगा। तो इस प्रकार से हमने सबको एक्सपोर्ट करा के दिखा दिया आपको। एक बार और हम आपको दिखा देते हैं रिप्लेस फुटेज में चल के कि ये कितना अच्छा दिख रहा है। अब तो
लड़के का तो सेम है, अलग अलग होता तो लड़के का भी अलग अलग लगाते और कपल का भी अलग होता तो ये भी अलग अलग लगाते। फिलहाल देख रहे हैं जीवन दूसरा, G2, G3 सब अलग अलग आ रहा है, तो ये बढ़िया दिखेगा उसमें। अब अगला आपको इम्पोर्टेंट काम करना है कि इस फोल्डर को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी क्यों करना है, याद रखिएगा कि इसको कॉपी करना है, बस मैं इसको स्पेशली बताऊंगा। अभी फिलहाल हमने इसे कॉपी कर लिया है और फाइनल डेटा जहां पर आपको रखना है वहां पर जाकर एक फाइनल वीडियो नाम का फोल्डर है, नहीं है तो आप फाइनल बना लीजिएगा और वहां जाकर जिस नाम से आपने वीडियो बनाया है वो नाम से फोल्डर बना लीजिएगा। हमने बनाया था मुन्ना वेट सिरजावती, उस नाम से फोल्डर बना के और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेना है। कभी कभी क्या होता है कि कास्टिंग नहीं मिलता है, कास्टिंग मिलने में टाइम लगता है और इसका फुटेज डिलीट हो जाता है, मतलब दूसरा शादी का कैसेट बनाने लगते हैं और उसका रहता है, इसका डिलीट हो जाता है, तो कास्टिंग बनाते वक्त लड़का लड़की का फोटो नहीं आ पाता है तो कास्टिंग अच्छा नहीं बनता है। इसलिए हमने इसका बैकअप ले लिया है ई ड्राइव में, ताकि भविष्य में जब भी हमको बाद में कास्टिंग मिले तो आसानी से फिर से इसको वहीं पर कॉपी पेस्ट कर लेंगे, काम करने लगेगा। अब इसका काम आपका खत्म हो गया। अब यहाँ पर फाइल पे क्लिक करना है, आपको एग्जिट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। कहेगा सेव करना है तो कह दीजिएगा नो, यानी कि सेव नहीं करना है। देखें सॉफ्टवेयर क्लोज और ओपन पर आ गया। अब हमने आपको वीडियो मिक्सिंग सिखाया था RN मुन्ना, यही वाला ना, इसे डबल क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि यह फाइल ओपन नहीं होती है, तो ओपन नहीं होती है तो उसका कारण क्या है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखें RN मुन्ना, अभी हमने आपको इसी पर वीडियो एडिट करके दिखाया था और यह डी ड्राइव के बैकअप नाम के फोल्डर में और यहाँ पे ऑफलाइन दिख रहा है। थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये डी में बैकअप HD मिक्सिंग डेटा नाम के फोल्डर में है और उसी के ठीक नीचे देखें यहाँ पे टाइटल न्यू DK4K अल्ट्रा यहाँ पे HD नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं। तो ये 4K अल्ट्रा HD वाले में जो है फाइल वो खुलेगा और यह नहीं खुलेगा क्योंकि वो उससे लिंक नहीं है। तो उसके लिए आपको कंप्यूटर को ओपन कर लेना है और ध्यान से इसी पाथ पर जाना है, ध्यान से समझिएगा। आपको डी में बैकअप ढूंढना है, यही वाला है फोल्डर और इसमें देखें RN मुन्ना, इसको डबल क्लिक करके ओपन करना है। और ये वाली जो फाइल आपको नजर आ रही है ये मात्र 1.48 MB की है, देख रहे हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी फिल्म इसी में पड़ी हुई है। अब इसको आपको कॉपी कर लेना है, देखें जैसे हमने अभी अभी कॉपी किया और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे इसे बैक कर लेना है। अब बैक करने के बाद से आपको जाना है 4K अल्ट्रा HD डेटा में और यहाँ पे 4K अल्ट्रा HD प्रोजेक्ट में और यहाँ पे 4K मिक्सिंग बैकअप डेटा नजर आ रहा है, यहाँ पर लाकर आपको इसे पेस्ट कर देना है। देख रहे हैं हमने पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद इसे क्लोज कर दीजिए और क्लोज करने के बाद ओपन प्रोजेक्ट को आपको क्लिक करना है और जैसा हमने अभी दिखाया है कि कहाँ हमने रखा है उस फाइल को जाकर आपको डबल क्लिक कर देना है और वह फाइल ओपन होना शुरू हो जाएगी। चलिए इसे हम क्लोज कर देते हैं। अब देखेंगे तो वह फाइल ओपन हो जाएगी जो लास्ट टाइम हमने मिक्सिंग करते वक्त सेटिंग पूरा किया था, A to Z मिल जाएगा। और यही तरकीब है कि अपने डेटा को हम बचा सकते हैं, नहीं तो फिर आपको दोबारा मिक्सिंग करना पड़ेगा। चलिए अब आ जाते हैं इस गाने पर, चुरा के ले जा उठा के ले जा इस पर, और यहाँ पे प्ले करके आपको दिखाते हैं कि उस समय किसका इमेज दिख रहा था अभी किसका दिख रहा है। आप देख रहे हैं सभी जगह यह ऑटोमेटिक चेंज हो गया है, देख पा रहे हैं ना। चलिए दूसरे वाले गाने में चलते हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं दिल तू ही बता कहाँ था चुका, इसे ओपन करके हम प्ले करके दिखाएंगे तो यहाँ पर भी हर जगह चेंज हो गया। तो है ना ये काम की चीज कि एक जगह आप चेंज किया सब जगह चेंज हो गया। अब शादी में आ जाते हैं, शादी वाला जो कि हमने बनाया था शुरू से, जैसे तिलक मटकोर नहावन बारात A to Z जो हमने बनाया था। अब इसमें भी आकर देखेंगे तो जहां जहां पर भी लड़का लड़की का वीडियो एडिट मांगा होगा ऑटोमेटिक वहां पे लड़का और लड़की का फोटो आ गया। अब इस प्रकार आपकी पूरी वीडियो एडिट हो गई है। अब ये सिर्फ सॉफ्टवेयर में है, इसे एक्सपोर्ट कराना पड़ेगा। एक्सपोर्ट कराएंगे तभी जाके इसकी दूसरी फाइल मिलेगी, नहीं समझ पाया है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। हमने एफ ड्राइव में मास्टर डेटा रखा था कॉपी करके, जो उन्होंने ला के दिया था, जैसे कि ये फाइल देख रहा है, ये वाली फाइल। ऐसे ही हम चाहते हैं कि अगले समय में हम मेमोरी में या डिस्क में रखें, तो उसके लिए हमको सॉफ्टवेयर से बाहर आना पड़ेगा क्योंकि यह मिक्सिंग सॉफ्टवेयर में हुआ है। तो उसके लिए ई ड्राइव में अभी हमने आपको दिखाया था फाइनल वीडियो फोल्डर बना के और उसका बैकअप रखा था उनके क्लोजअप का, अब यहीं पर उन फाइल को हम एक्सपोर्ट कराएंगे। तो चलिए एक्सपोर्ट कराने के लिए देख लेते हैं क्या करना है। एक्सपोर्ट कराने के लिए सबसे पहले आपको गाना ये वाला चुरा के ले जा उठा के ले जा एक्सपोर्ट कराना है, तो इसको ऑडियो ऑन कर देते हैं, नहीं तो बाद में दिक्कत होने लगेगी। ऑडियो नहीं आएगी तो आप कहेंगे कि एक्सपोर्ट करा दिया, ऑडियो तो अभी नहीं किया।
आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।